तोड़। जाने क्यों एक ख्याल सा आया, हम ना होंगे तो क्या कमी होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको इन फूलों की तरह मुस्कुराता रखे, आबाद रखे, शाद रखे। ये देखें, ये फूल ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत खूबसूरत तोहफा होते हैं। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग करते हैं दिमाग को। और यहाँ पे गांव में निकाली जा रही है गंदम, जिसकी वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बोलने का मकसद ये है, शुरू में जो मैंने आप लोगों के साथ एक दो फिक्रों की लाइन बोली, जाने क्यों एक ख्याल सा आया, हम ना होंगे तो क्या कमी होगी। नहीं होगी, क्योंकि दुनिया का निज़ाम ही ऐसा है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जो इस इंसान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, उसने एक दिन अल्लाह ताला के पास वापस अल्लाह ताला के पास लौट के जाना है। यहाँ पे लोग अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं, खाने पीने की ज़रूरतें इकट्ठा करते हैं। जो चीज़ इंसान के पेट को भर जाए, ऐसी चीज़ें मुहैया की जाती हैं, ऐसी चीज़ों को हम ज़खीरा करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर गंदम का जो इस्तेमाल है, वो भी हम अपने पेट को भरने के लिए करते हैं। बहुत ज़्यादा बारिशें हुई इस साल में, इन महीनों में, जिसकी वजह से गंदम जो है, गंदम की जो खेत है, फसल है, वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। बट अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें खाने के लिए दे रहा है, हमें रहने के लिए दे रहा है। अल्लाह की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें, उतना कम है। ये मुझे वीडियो इतनी ज़्यादा मेरे दिल को अच्छी लगती है, गाँव की जो वीडियोज़ होती हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। गंदम के जो हैं ये शाखें, बेलें जो हैं, इनके अंदर से जो गंदम के दाने हैं वो निकाले जा रहे हैं। थ्रेशर मशीन लगी हुई है खेतों के अंदर, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी होती है जब ये दाने निकाले जाते हैं। गंदम की जो फसल होती है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और ये मज़दूर भाई, असल मज़दूरी तो इन लोगों की होती है जो इतनी गर्मी में खड़े होकर अपने पेट के लिए मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला सबको हलाल रोजी कमाने की तौफीक अता करे, आमीन। ये देखें, ये सारा प्रोसेस किस तरह से गुज़रता है, गंदम का किस तरह से निकलती है, ये आप लोग भी देखिए। और सबके लिए दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला सबके नसीब में गंदम करे, क्योंकि इस वक्त आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, आटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मेन चीज़ ही यही है कि रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने गंदम की जो है, वो हम इसको कहते हैं भरियाँ, एक वो बड़ी बड़ी बना के इन्होंने भी रखी हुई होती हैं। फिर जैसे ही एक ख़त्म होती है तो दूसरी दूसरी होती है, तो तीसरी, इस तरह से करके स्टेप बाय स्टेप ये डालते रहते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। देखें, गंदम आगे उन्होंने ये एक डब्बा सा रख दिया है, वो भर जाती है, तो साथ साथ वो गंदम को बोरियों में भर रहे हैं। ये देखें, ये थ्रेशर मशीन है गंदम की निकालने वाली, और ये बहुत ही अच्छे सीन होते हैं। ये मैं कहती हूँ कि अनबिलीवेबल सीन होते हैं, बहुत दिल खुश होता है इन चीज़ों को। ये देखें कितनी प्यारे और कितने नफासे तरीके से गंदम ऐसे जैसे छान के निकल जा रही है अंदर से। ये देखें, ये हमारे मज़दूर भाई हैं, पेट की खातर मेहनत कर रहे हैं, गर्मियों में खड़े होकर, दोपहर में खड़े होकर। अल्लाह ताला इनके घर में भी रोज़ी बरकत अता करे। और आप लोग भी सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो लोग भटके हुए हैं, उनको अल्लाह ताला सीधी राह दिखाए, और अल्लाह ताला उनको हदायत दे। और जो रिज़क की कमी है जिनके घर में, अल्लाह ताला उनके घर में रिज़क की जो फराखी कर दे, दस्तरखान में अल्लाह ताला बरकत फरमा दे, आमीन। आप लोग लाजमी बताइएगा, लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोग मेरी वीडियो पे न्यू हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, जो मैं अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ और इस तरह से बहुत सारी वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, बहुत सारी मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत दिखाती हूँ। अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, जो जो मेरे बहन भाई चैनल बना के बैठे हैं उनको भी, और अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर से, अपने ख़जाने से मेरे ऊपर भी रहमत करे, आमीन। तो अभी इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़।